Good morning, all of you, my dear students. Welcome back. Today, I will teach you past perfect tense, which is the third part of past. Past की परिभाषा में आपको पहले ही बता चुका हूँ. Past is main point to describe about past time. ठीक, भूतकाल की बातें करना, भूतकाल का अध्ययन करना, भूतकाल का बखान करना, भूतकाल की बातों का अध्ययन करना, इसे ही कहते हैं पास्ट टेंस. अब लेते हैं पास्ट टेंस का तीसरा भाग, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस. माय डियर स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर वही पहले की तरह जो मैंने खाने बनाए थे वही खाने इसमें भी हैं. पहले की तरह जो खाने बनाए थे वही खाने इसमें भी हैं. काइंड्स, आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस, हेल्प वर्क, मेन वर्ब, फॉर्मूला, सेंटेंस. काइंड्स सिंपल, सिंपल है. और इसका मैं पहले तीन बात बता देता हूँ. जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, या पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे, खाया था, खाई थी, खाए थे, खेला था, खेली थी, खेले थे, जा चुका था, आ चुका था, खाना खा चुका था, खेल चुका था, अगर जब ऐसे वाक्यों के अंत में जब ये शब्द आते हैं तो समझो वो कोई और नहीं बल्कि पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है. उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं. नंबर एक बात, आइडेंटिफिकेशन जरूरी है. जब तक आइडेंटिफिकेशन पता नहीं होगा कि पहचान क्या है, तब तक तो वो बनेगा नहीं. क्यों, उसका पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन से ये किसमें प्रेजेंट का, पास्ट का, या पास्ट में किसका है. तो ये आइडेंटिफिकेशन को पता करना बहुत जरूरी है. बिना इसके पता करे हुए सेंटेंस नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें पता नहीं चलेगा कौन सी हेल्प वर्ब लगानी है, कौन सी मेन वर्ब लगानी है, ये कुछ पता नहीं चलेगा. तो आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान का पता करना जरूरी है हर सेंटेंस के आखिरी वर्ण, जो मैंने अभी अभी आपको बताया. हैप्पी वर्ब हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. आई रिपीट अगेन, हैप्पी वर्ब हैव, हैप्पी वर्ब हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विद ही, सी, इट, नेम, काम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, अनीता एंड ऑल सिमिलर नंबर As well as I, be, you, they and all plural number. क्या निकल पता ये had, verb, had और third form of verb सभी कर्ताओं के साथ लगाई जाती है, चाहे वो he, she, it है या कोई नाम है, I, be, you, they है, एक वचन है या बहुवचन है, कोई भी करता है, सभी के साथ had, verb, had और third form of verb का इस्तेमाल किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर. आ जाइए फॉर्मूला, तो सबका जैसे मैंने बताया इसका भी फॉर्मूला वही है. तो इसके अलावा इसके बाद में सेंटेंस इंग्लिश में बनाया गया, जो जो हिंदी लिखी हुई है इसी उसी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है. आइडेंटिफिकेशन को देखते हुए, हेल्प वर्ब, मेन वर्ब को देखते हुए, फॉर्मूला को देखते हुए और उसके बाद सेंटेंस को इंग्लिश में बनाया गया है. अब आते हैं और आते हैं इसकी पहली वाली कैटेगरी पे. अब आते हैं इसकी पहली वाली कैटेगरी पे. सिंपल है, वही जो मैंने आपको पहचान बताई थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, खाया था, खाई थी, खाए थे, पिया था, पी थी, खेल चुके थे, जा चुके थे, खाना खा चुके थे, भाग चुके थे. तो जितने भी सेंटेंस हैं उनकी पहचान ये होती है, तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं ऐसों को जिनकी जिनमें पहचान ये होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे. ऐसी पहचान वाले सेंटेंसों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं. वह स्कूल जा चुका था, हेल्प वर्ब हैड लगेगी, और चुका था, चुकी थी, चुके थे, जैसे मैंने आपको बताया था पहचान ये है, पहचान आ गई, हैड वर्ब हैड बताई थी आ गई,
थर्पोन वर्ब और हेड और हेड हैप्पी वर्ब सभी के साथ बताया था मैंने, हैप्पी वर्ब हेड और थर्पोन वर्ब सभी कर्ताओं के साथ बताया हुआ है। तो फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैप्पी वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल, 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 ही सब्जेक्ट हैड हैड टू वर्ब गॉन वर्ब और टू स्कूल ऑब्जेक्ट ही हैड गॉन टू स्कूल। बिल्कुल फॉर्मूले में डालने के बाद आपका सेंटेंस अच्छे से बन जाएगा आराम से, विदाउट फेसिंग एनी प्रॉब्लम, बशर्ते कि आपने उसकी पहचान देख रखी है, हैप्पी वर्ब और मेन वर्ब सही लगाई हैं और उसके बाद फॉर्मूले में ढाल दिया तो सेंटेंस अपने आप बन जाएगा। नाउ कम टू कैटेगरी नंबर टू, दैट नेगेटिव, उसकी भी यही पहचान है, उषा खाना नहीं खा चुकी थी, नेगेटिव जो है उसकी दूसरी कैटेगरी है, उसकी यही पहचान है और सेंटेंस उषा खाना नहीं खा चुकी थी, चुकाता चुकी थी चुके थे, इसमें भी वही आया हुआ है। इसके मुताबिक आइडेंटिफिकेशन हैड थर्ड पर्सन वर्ब, इसमें वही लगेगा, बताया हुआ मैंने सभी के साथ लगेगा, हैड और हैप्पी वर्ब हैप्पी हैड और थर्ड पर्सन वर्ब, हैड और थर्ड पर्सन वर्ब ये दोनों सभी कर्ताओं के साथ लगेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, हैड और थर्ड पर्सन वर्ब जैसा कि इसमें लगा हुआ वो भी इसी में लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैप्पी वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उषा हैड नॉट ईटन द फूड, उषा हैड नॉट ईटन द फूड, उषा हैड नॉट ईटन द फूड, उषा सब्जेक्ट हैड हैप्पी वर्ब नॉट नॉट ईटन ईटन वर्ब और द फूड ऑब्जेक्ट। नाउ कम टू कैटेगरी नंबर थ्री, क्वेश्चन फॉर्म सिंपल, आइडेंटिफिकेशन इज द सेम, क्या वे पत्र लिख चुके थे, इसमें भी हैड लगेगा, थर्ड पर्सन वर्ब लगेगा और क्या वे पत्र लिख चुके थे, हैड दे रिटन द लेटर, 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 हैड हैप्पी वर्ब दे सब्जेक्ट रिटन वर्ब द लेटर ऑब्जेक्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट कैटेगरी, क्वेश्चन फॉर नेगेटिव, क्या मैं कार्य नहीं कर चुका था, वही आइडेंटिफिकेशन इज द सेम, क्या मैं कार्य नहीं कर चुका था, हैड आई नॉट, इसमें भी चुका था चुकी थी उसी के मुताबिक है, हैड आई नॉट डन द वर्क, तो हैप्पी वर्ब सेम है, हैड थर्ड पर्सन वर्ब सेम है और क्या मैं कार्य नहीं कर चुका था, हैड आई नॉट डन द वर्क, हैड आई नॉट डन द वर्क, हैड आई नॉट डन द वर्क, हैड हैप्पी वर्ब आई सब्जेक्ट नॉट नॉट डन वर्ब द वर्क ऑब्जेक्ट, द वर्क ऑब्जेक्ट। कम टू नेक्स्ट कैटेगरी इंटेलेक्टिव सिंपल, आइडेंटिफिकेशन इज द सेम, आप कल स्कूल क्यों गए थे, तो व्हाई हैड यू गॉन टू स्कूल यस्टरडे, हैप्पी वर्ब वही है, मेन वर्ब वही है, इंटेलेक्टिव वर्ब प्लस हैप्पी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है, Why had you gone to school yesterday? Why had you gone to school yesterday? Now come to last category, intellectual negative. हम क्रिकेट मैच क्यों नहीं खेल चुके थे? Identification is the same. There is no change. हम क्रिकेट मैच क्यों नहीं खेल चुके थे? हैप्पी वर्ब इज द सेम, हैड मेन वर्ब इज द सेम, थर्ड पर्सन वर्ब और इंटेलेक्टिव वर्ब प्लस हैप्पी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हम क्रिकेट मैच क्यों नहीं खेल चुके थे, व्हाई हैड वी नॉट
प्लेड द क्रिकेट मैच वाई इंटरगेट वर्ड हैड हेल्प वर्ड बी सब्जेक्ट एन नॉट प्लेड वर्ब और द क्रिकेट मैच ऑब्जेक्ट वाई हैड वी नॉट प्लेड द क्रिकेट मैच वाई हैड वी नॉट प्लेड द क्रिकेट मैच। तो माय डियर स्टूडेंट, तो ये था आपका आज का पास्ट परफेक्ट टेंस जिसको मैंने दर्शाया है काइन के साथ, पहचान के साथ, सेंटेंस कौन सा है हिंदी में, हेल्प वर्ब के साथ कौन सी हेल्प वर्ब लगेगी और मेन वर्ब के साथ कौन सी मेन वर्ब लगेगी, फॉर्मूला क्या है उसका वो ये है, और सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन को देखते हुए, हेल्प वर्ब को लगाते हुए, मेन वर्ब को लगाते हुए, फॉर्मूले में फिट करते हुए सेंटेंस को हिंदी का इंग्लिश में कैसे बन के आया वो आपके सामने इधर इस साइड में पेश है, हर खाने में अलग अलग। तो ये था आज आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस ये मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका बचा हुआ हिस्सा के लिए हम अगली वीडियो में पेश होंगे और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।